Dear students of class 7th standard, Jaffrey Academy of Modern Education, Kargil. Welcome to Computer Education, Chapter number 5, Topic Formatting in MS PowerPoint. इसके question answer हमें करना है इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम करते हैं multiple choice questions, MCQs, tick the right option. Number 1, every presentation comes with a चेंज केस, बी कलर स्कीम, सी लोअर केस, डी अपर केस. तो इसमें आंसर आएंगे पहले का बी कलर स्कीम इज द राइट ऑप्शन, उसको टिक करना है. सेकंड, विच वन ऑफ दीज रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड, ए इंडेंट्स, बी चेंज केस, सी अलाइनमेंट, डी स्टैक थ्रू. तो सी अलाइनमेंट इज द राइट ऑप्शन. इसके बाद 3, द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस पावरपॉइंट 2007 आर मच सिमिलर टू दोज ऑफ ए वर्डपैड 2007, बी कैलकुलेटर, सी पेन एंड डी एमएस वर्ड 2007. थर्ड है आपका डी एमएस वर्ड 2007, डी पार्ट आपका सही आंसर है, उसको टिक करना है. फोर्थ, फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट लुक मोर, ए अट्रैक्टिव, बी बोल्ड, सी इटैलिक, डी अंडरलाइन. ए अट्रैक्टिव इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ पार्ट का, ए पार्ट अट्रैक्टिव, इसको टिक करना है. फिफ्थ, विच बटन इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, ए फॉन्ट कलर, बी फॉन्ट साइज, सी शेडो, डी स्ट्राइक थ्रू. तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, फॉन्ट साइज. तो फिफ्थ का बी पार्ट फॉन्ट साइज को टिक करना है. नेक्स्ट बी पार्ट है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए नंबर 1, यू कैन नॉट अप्लाई अलाइनमेंट इन द डॉक्यूमेंट ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2007, ये फॉल्स है. सेकंड, यू कैन नॉट अप्लाई एंड चेंज द कलर स्कीम ऑन द स्लाइड, ये भी फॉल्स है. नंबर 3, मोस्ट ऑफ द बटन इन द फॉन्ट ग्रुप आर टॉगल ऑन ऑफ बटन्स, ट्रू, ये सही आंसर है. नंबर 4, यू कैन नॉट अप्लाई स्पेशल इफेक्ट टू द टेक्स्ट ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2007, ये भी आपका फॉल्स है. फिफ्थ, द एंड एंड फ्यूचर इज यूज्ड टू क्लियर ए पैराग्राफ, ये भी फॉल्स है, फॉल्स हो गया. तो पहला फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तीसरा ट्रू है, चौथा और पांचवा भी फॉल्स है, इसमें एक ही सही है. सी पार्ट, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, डैश डैश एलिजन द टेक्स्ट इवनली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ये हो गया नंबर 1 में आ गया जस्टिफाई. सेकंड, डैश डैश बटन इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, तो आएगा फॉन्ट साइज बटन. नंबर 3, यू कैन क्लिक ऑन डैश डैश बटन टू गिव स्ट्राइक थ्रू योर टेक्स, तो वहां पर आएगा नंबर 3 में स्ट्राइक थ्रू. नंबर 4 आपको है, यू कैन क्लिक ऑन डैश डैश बटन टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग यू हैव डन, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इसमें आएगा. नंबर 5, डैश डैश फ्यूचर इज यूज टू मूव ए पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन इन इंडेंटिंग. Indenting feature is used to move paragraph or the first line. ये इसका सही आंसर हो गया. इसके बाद question answer है. Number 1, which button is used to apply shadow effect to text? Answer इसका लिखना है, S button is used to apply shadow effect to the text. Number 2 question, which write down 3 toggle buttons used in MS PowerPoint 2007? आंसर इस तरह से लिखना है, द 3 टॉगल बटन यूज्ड इन एमएस पावरपॉइंट 2007 आर, बी, आई और यू फॉर अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. नंबर 3 क्वेश्चन इसका है आपका, राइट द स्टेप्स टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ योर स्लाइड. आंसर इज, यू कैन चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कंप्लीट प्रेजेंटेशन और इवन ए सिंगल स्लाइड. स्टेप 1, ओपन एनी प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. स्टेप 2, क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन एंड अप्लाई एनी कलर स्कीम, ऑब्जर्व द इफेक्ट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 4,
What is alignment? Explain any two type of alignments. Answer: alignments refers to the placement of text in a slide. Left alignment, it aligns text toward the left margin. Right alignment, it aligns text toward the right margin. Question number 5. What do you understand by indent? Answer: indenting is used to move a complete paragraph or first line to specific number of places from the left or right margin. तो ये question answers हो गया आपका. Next है आपका match the following. Number 1 change case के साथ आपको number 3 के साथ जोड़ना है. Number 2 table को आपको number 5 के साथ जोड़ना है. Number 3 smart art आपको इसको number 4 के साथ जोड़ना है. Number 4 strike through को आपको number 1 के साथ जोड़ना है वहाँ पर. फिर इसके बाद number 5 साउंड को आपको नंबर सेकंड से जोड़ना है. फिर इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट्स बी अरेंज द गिवन जंबल्ड वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड. आपको यहाँ पर जो जो वर्ड दिया हुआ है वो अलग अलग जगह पे दिया हुआ है उसको सही करना है. आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. इसका मीनिंग नहीं बनता है एस एच सी ई एम ई, इसका मीनिंग नहीं बनता है. अब इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो क्या बनेगा, ये स्कीम बनेगा एस सी एच ई एम ई स्कीम, ये उसका मीनिंगफुल वर्ड हो गया. दूसरा ए आई एल जी एन जी एम एन ई टी, इसका एलिजमेंट मीनिंगफुल वर्ड बनेगा. थर्ड यू डी आर ई एन एल एन आई ई, इसका अंडरलाइन बनेगा. नंबर फोर्थ जे एस टी यू एफ आई वाई, इसका जस्टिफाई आपको मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे. तो ये जंबल वर्ड्स का मीनिंगफुल वर्ड भी हो गया. और डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट. अब आप इसको साफ सुथरा अपने कॉपी पर उतारेंगे और याद भी करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, खुदा हाफिज़.